हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आपको हम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होंगे बिकॉज आज हम जा रहे हैं बर्फ़ में, स्नो में। अभी टाइम हो रहा है 1:58, अभी भी ये स्कूल से आया है तो मैंने इसको बताया कि हम जा रहे हैं, मैंने टिकट बुक कर दिया है। मैं बर्फ़ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ सबसे मेन चीज़ जो हमको होती है ना, वो हमारे माइंड में घूमती है। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सबसे मेन चीज़ हम बर्फ़ के लिए जा रहे हैं, बर्फ़ में खेलने के लिए, स्नो में। ठीक है, तो अभी स्कूल से आया, जल्दी से खाना खा और बस है हमारी 5:30 बजे की बस है। तो अभी 2 बज चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे में पैकिंग भी करनी है, कैमरे वगैरह बैटरी सब चार्ज करता हूँ और कपड़े पैक करता हूँ। मैं, पीयूष एंड साहिल, हम 3 जने जा रहे हैं, तो बस में ही जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी तो आई नहीं गाइस। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सह लेंगे। और बस का ट्रैवल भी अलग ही होता है, वो फिर आप रिलेट भी कर पाते हो उस चीज़ों से, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से मैं पहले तो हाँ टिकट बुक किए और टिकट निकलवा के लानी है मुझे, तो वहाँ भी जाएंगे दुकान पर। सौदा जा रहे हैं ओरी, ओरी को बर्फ में लगे तो ये दिखेगा ही नहीं। अरे हाँ, बर्फ में दिखेगा ही नहीं। जल्दी से टिकट निकाल के लाता हूँ। चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो जाओ ऊपर। हाँ जाओ ऊपर। क्या क्या, मेरे यहाँ नीचे आते ही वापस नीचे। ओरी ओहो, कह रहे मुझे भी ले जाओ। क्या ओली, हेलो करे, हेलो करे सौदा को। ओरी जाओ ऊपर, जाओ ऊपर, चलो यार, मुझे इमोशनल कर देता है। मैं भी टिकट लेने जा रहा हूँ, चल ऊपर, चल ऊपर, चल ऊपर, चल ऊपर। आके जल्दी से पैकिंग कर लियो यार, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। टिकट तो 2 मिनट में निकाल लेंगे, बैठ। भैया एक प्रिंट करना था। तो अभी मैं रेडी तो हो गया हूँ, बट मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है जो कि मैं गोप्रो या फिर फोन में यूज़ कर सकूँ। लास्ट टाइम जब गांव गया था तो पीयूष ने तोड़ दी थी, आपने देखा होगा। तो मुझे अभी याद आया, तो मैं जल्दी से मार्केट जाता हूँ, लेके आता हूँ, कोई भी ऐसी मिल जाए, काम चलाऊ। बस पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वाइड एंगल शॉट्स चाहिए ना, अच्छे वाले। तो चलो जल्दी से जाता हूँ, लेके आता हूँ। एक सेल्फी स्टिक दे दो, कोई सिंपल वाली नहीं है क्या? हाँ ये तो सिंपल ही होगी, काम चलाने के लिए तो ठीक है। मूव कर रहे हैं, लूज नहीं है भैया। ओहो ठीक है, यही दे दो आप। ठीक है भैया, तो काम चलाने के लिए एक सिंपल सी सेल्फी स्टिक ले लिया। टाइम क्या हो गया रे, 4 बज गई, 5 बजे पहुंचने अपने को। तो सेल्फी स्टिक भी हम ले आए हैं, नॉर्मल सी है बट काम चला लेंगे इससे। पता है हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो कितना ऑलरेडी वाइड दिख रहा है आपको, बट ये देखो टूटे, टूट गया। वाह, लाते ही सेल्फी स्टिक टूट भी चुकी है, देखो इसका तो ये होता है ना। बट ये तो अपने आईफोन में लगेगा ही नहीं, अपने कोई काम का था ही नहीं, मैंने ऐसे खींचा ना, खींचने में ये टूट गया। भाई देखो वाइड, देखो कितना ज्यादा है, तो काफी प्यारे व्यू। क्योंकि ना जब बाहर जाते हैं ना, मैं DSLR से कम ही व्लॉग करता हूं, तो फोन से सबसे ज्यादा करता हूं। आईफोन की क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि आपको खुद को दिख रहा होगा। वाइड देख लो, क्लियरिटी देख लो, सब कुछ टॉप नॉच। मैंने कहा एक पेंट ले जा ले, एक शर्ट ले जा ले। मम्मी यार एक ही बैग ले जाना, एक मम्मी वहाँ बारिश हो गई कुछ। मेरी बात सुनो, मैं बस में जा रहे हैं, बस में ना वो सामान रखने में दिक्कत होती है यार। मम्मी दिक्कत भी बहुत थोड़ी बनाना है, मैं सिर्फ ये बैग लेके जाऊंगा। हाँ, इसमें मेरे कैमरे भी आ रहे हैं, कैमरे लैपटॉप। एक बार बता, एक पेंट एक शर्ट नहीं आती इसमें? एक पेंट एक शर्ट तो एक ही, एक एक ले जाऊंगा। हो गया, एक डाले और ठीक है। और क्या ले जाना है? तू कितने ले जा रहे? वो भी है 10, एक एक ही रखा है। इस इनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती, इनको ना लैपटॉप, ना चार्जर, ना कैमरे की बैटरी, ना कैमरा, कुछ नहीं। ये लेके जाऊं? कैसे मुंह क्यों बनाते हो आप? है ना, ये अच्छा लगता है, ये ले जाता हूँ बस। मेरे को तो ये अच्छा लगता है। अरे सब अच्छे हैं यार, जो कहोगे ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। चल गाड़ी होती ना, फिर तो पूरा सूटकेस भर के कपड़े ले जाता मैं। ये क्या है ना, एकदम मैला सा दिख जाएगा वहां जाके। तो ग्रीन वाला डाल लेता हूँ। क्या कर रहा है बता रहे? अरे ब्लैक ही डालूंगा, छोड़ो। ग्रीन डाल लेता हूँ, नहीं ब्लैक ही छोड़ो। जो डाल दे, जब गाड़ी आएगी आपको भी लेके जाऊंगा, ठीक है? गाड़ी आएगी तो बर्फ में आप मस्ती करेंगे। ठीक है, कहते रही हूँ। तो अभी साहिल एंड सन्नी आए हमको छोड़ने के लिए, एक बाइक ही है, एक बाइक हुआ है, उसमें हम तीनों चले जाएंगे। हम सोचे थे कि पैदल जाएंगे, लेकिन अब पैदल नहीं, अब बाइक में जाएंगे। और मम्मी जी ने देखो मेरे को कितनी जैकेट पहना दी है, अंदर से इनर भी है, 2 जैकेट हो गई है, पूरा भर दिया मेरे को। फोन ले जा रही हूं। फोन फान तो भूल ही नहीं सकता मैं कभी। ओली ओली, मिलते हैं थोड़े दिनों में, ठीक है ओली, बाय।
ख्याल रखना इसका अच्छे से, इसके साथ खेलना। सोनू भी अब नहीं जा रही क्योंकि सोनू भी जाते रहते, कहते मैं नहीं जाता, मैं वहीं जाता रहता हूँ। बाय 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 ओली, चलो चलो चलो। हाँ, और अभी टाइम हो रहा है 5:10, तो 5:30 बजे की बस है, 20 मिनट है अभी, 20 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए, हम चलते हैं, मिलते हैं फिर, मिलते हैं आने के बाद। तो बस स्टैंड भी पहुंच चुके हैं टाइम से, अब 10-15 मिनट में हमारी बस आ जाएगी जो कि हमको सुबह पहुंचाएगी 4-5 बजे। सारी रात भर हमको बस में काटनी है, तीनों भाइयों को फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अकेले, तो बहुत लंबा सफर है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ बर्फ देखने के लिए भाई। तो हमने कभी भी जिंदगी में स्नोफॉल या फिर जहाँ पे बर्फ गिरी होती है वो नहीं देखा, इसलिए देखी है बिकॉज ये गाँव में रहता था ना जब। तो फाइनली गाइस हमको बस मिल चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 5:30, पूरे 5:30 ही हो रहे हैं, सही टाइम पे, बिल्कुल सही टाइम पे आए हम। तो अब मिलते हैं आपसे कभी सुबह, ना ना रास्ते में मिलेंगे, अंधेरे में मिलेंगे, अंधेरे में मिलेंगे जब खाना खुना खाएंगे, जब खाना खुना खाएंगे, खुना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे, पीना पीना पियेंगे। तो गाइज अभी 8 बजे हैं और अभी पता नहीं कोई ढाबा है यहाँ पर रुकी है बस, तो हमको काफ़ी तगड़ी वाली भूख भी लग रही है, हम खा के नहीं आए कुछ भी, जल्दी से खाते हैं नहीं तो बस निकल जाएगी, पीछे बस खड़ी है। बाकी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाइयों के साथ में ट्रैवल करने में, मज़ा आ रहा है। ये तो सोया था अपना मेरे ऊपर, अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो बहुत लंबा सफर है ये। तो गाइज अभी हमने ऑर्डर किया है परांठा, आलू और प्याज परांठा, तीनों ने एक एक ऑर्डर करा है। तो गाइस खाना हो चुका है, पेट मेरा फुल हो गया एकदम, पीनी पीसी पीयूष चाय भी नहीं, तूने परांठा भी नहीं खाया, चाय नहीं, तेरा पेट कैसे भरा? अच्छा इसको तो पैकेट दे, दिखा छुपा, क्या छुपा रहा है, क्या छुपा रहा है। चाय भी हो गई है, अब चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो अराउंड 1 घंटा रुकी यहाँ पे। यहाँ क्यों बैठ गया तू, बस निकल जाएगी। अच्छा यहाँ पर जॉब करूँगा मैं। अच्छा पीयूष को नई जॉब मिल चुकी है, स्पेशल थाली, पीयूष की स्पेशल थाली। तेरे भूख तो नहीं लग रही ना, भूख पक्का लगेगी तो खा लियो ये। तभी चलाया हूँ। अब सो जाएगा आराम से है ना। क्या लेके आया? तो साहिल चौमिन ले आया, और अभी टाइम हो रहा है 11:47। मेरे को मेरा लेस दो। तो अभी बस कहीं रुकी है, अराउंड 12 बज रहे हैं, पीयूष एंड साहिल गए थे बाहर चौमिन लेके आए हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 2:47 और हम पहुंचे हैं रुद्रपुर। साहिल एंड पीयूष को खतरनाक वाली ठंड लग गई है, पीछे वाली सीट पे चले गए, पीछे वाली सीट खाली थी, पूरी बस खाली है। पूरी बस ही खाली है, देखो गिने चुने लोग बैठे हैं, जिनमें से 3 गिने चुने हम हैं। ये सही होगा कि साहिल कंबल उठा लाया, मम्मी ने भेजा, वरना ये तो नहीं है बैग में डाल के। पीयूष पहुंच गए, पहुंच गए, साहिल पहुंच गए, पहुंच गए, तो बैग निकाल ले अपना, अपना तो एक ही बैग है। चलो उतरो उतरो उतरो, चलो पीयूष। तो गाइस फाइनली हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 3:48, हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए, हमको लगा था 5 बजे तक पहुंचेंगे। तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमको लेने आ रहे हैं ना वो 5 बजे आएंगे, तो अभी हमको अराउंड 1 घंटा वेट करना है यहाँ पे। तो अभी हम सड़कों पर ऐसे ही डोल रहे हैं हल्द्वानी की, और इससे आगे हम कहाँ जाएंगे वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। और बस में इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी ठंड लगी, आप सोच सकते हो बस में मैं क्या कर रहा था पूरा टाइम। तो अराउंड हमने 10 घंटे ट्रैवल किया इस बस में, और ये वॉल्वो नहीं थी, सिंपल बस थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, मैं पता क्या कर रहा था, मैं विंडो बंद करने में था। क्योंकि इतनी तगड़ी वाली हवा आ रही थी विंडो से, और विंडो अपने आप खुल रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप विंडो खुल रही थी,
और उतनी तगड़ी वाली हवा थी। तो अगर आप देख रहे हो बस वाले जो भी हो लोकल बस वाले, तो प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्रूव करो यार। पैसेंजर पूरा ठंड से अकड़ जाते हैं क्योंकि विंडो अपने आप खुल जाती है यार, खड़खड़। चलो इनके पास तो कंबल था, मैंने अपना जैकेट ओढ़ा, मतलब जो हमारा 10 घंटे का ट्रैवल था ना वो इतना मुश्किल भरा था, बट अच्छा भी लगा थोड़ा एडवेंचर। एडवेंचर तो क्या ही था, ये देखो सिर मेरी गोदी में, पैर इसी गोदी में, ये अलग ही ये मजे ले रहा था फुल। ये सही सोया हुआ था, मैं सिर्फ आई थिंक 1.5 घंटा सोया हुआ। बाकी अब मैं इस व्लॉग को कर देता हूँ एंड। अभी जब लेने आएंगे हमको चाचा जी, लेने आएंगे 5 बजे आएंगे, तब तक हमको ऐसी डोलते हैं सड़कों पे, डोलते हैं और क्या करेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इस व्लॉग करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मेरी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी ना, आवाज़ डिफरेंट होगी मेरी। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। बस में पूरा ट्रैवल कर लिया और मफलर अभी आ गया कि मेरे पास मफलर भी था, अब जाके डाल रहा हूँ मैं उतरने के बाद, देख लो।